हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग गाइस. ये लेसन प्लान थर्ड है, जो आपकी टीचिंग फाइल है सोशल साइंस, उसका सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान थर्ड है. टॉपिक रहेगा आपका महासागर की गतियाँ. और एट्थ क्लास का ये टॉपिक लिया है, ठीक है, सोशल साइंस का. आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है उनको थैंक यू. देखिए, ये जो लेसन प्लान है थर्ड, इसका जो टॉपिक है महासागर की गतियाँ मैंने बता दिया है. ये फर्स्ट में आपको लिखना है विषय वस्तु विश्लेषण. इसमें आप देख लेना इसमें क्या क्या लिखना है. महासागर की गतियाँ, तरंगे, ज्वार भाटा, वृत ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा और ज्वार भाटा के प्रभाव, ठीक है. ये सब टोटली कंक्लूजन है इसका. फिर आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखने हैं, ठीक है. फिर है सामान्य सहायक शिक्षण सामग्री, जो मेनली होती है नॉर्मल सी सामान्य कक्षा कक्ष में होती है. चौक, डस्टॉक, चौक बोर्ड होता है, पॉइंटर होता है, ये सब लिखने हैं आपको. फिर है अनुदेशनात्मक सामग्री, इसमें पुस्तक व व्याख्यान विधि द्वारा छात्र अध्यापिका महासागर की गतियों पर चर्चा करेंगे. देखिए, इसमें आप चार्ट भी डाल सकते हैं कि भाई चार्ट के थ्रू जो है टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है. ये नेक्स्ट पेज पे है पूर्व ज्ञान परिकल्पना. गाइज, हम क्लास में जाने से पहले ये सोच के चलते हैं कि हम जिस टॉपिक पर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं इसके बारे में बच्चों को पता होगा, कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे कि महासागर क्या होते हैं. जो भी हमने टॉपिक लिया है, सिर्फ ये नहीं, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा इमेजिन करके चलते हैं कि बच्चों को उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है. ये बारे में ये लिखना है इसमें. फिर है पूर्व ज्ञान परीक्षण, जो हम सोच के चलते हैं, इमेजिन करके चलते हैं, उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं बच्चों से, ठीक है. फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे बच्चों से, तीन चार क्वेश्चन पूछने हैं और लास्ट में नो रिस्पॉन्स आएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं लास्ट में जो बच्चे आंसर नहीं करेंगे. फिर लास्ट में आपको लिखना है, जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते तो रिस्पॉन्स नहीं होने के बाद आप जो टॉपिक तैयार किया आपने लेसन प्लान के थ्रू रिगार्डिंग, वो आप अनाउंस करेंगे कि आज हम ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है. फिर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन करेंगे जो भी आपने लेसन प्लान तैयार किया जिस भी टॉपिक पे. फिर ये नेक्स्ट पेज पे है, स्टार्टिंग में आपको लिखना है एक तरफ विषय वस्तु विश्लेषण, और फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ, अध्यापिका क्रियाएँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप. फिर है विद्यार्थी क्रियाएँ, जो स्टूडेंट एक्टिविटी होगी. फिर लास्ट में आपको लिखना है शाम्पट, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका जो भी वर्क चलता रहता है साथ के साथ, वो लिखना है आपको. देखिए, विषय वस्तु में आप जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हम लेते हैं कुछ भी, जैसे आपने कोई भी महासागरों का हमने लिया है तो उसकी हम मीनिंग लिख देंगे, डेफिनेशन वगैरह, जिससे भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो लिखना है यहाँ पे. फिर टीचर का जो वर्क होगा, एक्टिविटी होगी वो, फिर कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाने स्टार्ट करते हैं वो सब लिखना है यहाँ पे. फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है भाई स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं वो सब. और साथ के साथ जो ब्लैक बोर्ड का काम है वो भी साथ के साथ चलता रहेगा. ये आपको ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है और उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना है. कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, आपके टॉपिक के रिगार्डिंग ही कुछ लिखना है, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है इसको. फिर ये हो गई आपकी गतियाँ हो गई. स्टूडेंट एक्टिविटी में भी आपको लिखना है कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ध्यान से लिख रहे हैं या सुन रहे हैं. फिर गतियाँ हो गई, फिर तरंगे हैं. ये देखिए, जिस तरह से ब्लैक चार्ट पेस्ट किया है आपको भी ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है, ठीक है. और जैसे यहाँ पे बीच बीच में क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं बच्चों से, वो भी हम बीच में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. और देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है. ये सब भी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व करनी है. ये फिर नेक्स्ट पेज पे है, जो हमारे पीछे रह गया था ये उसी का नेक्स्ट पेज पे है, स्टूडेंट एक्टिविटी और जो क्वेश्चन पुट अप क्वेश्चन वगैरह कुछ कर रहे थे टीचर स्टूडेंट से वो सब है. फिर नेक्स्ट है ये, आप देख लेना, ये ब्लैक चार्ट जो आपने पेस्ट करना है, एक बड़ा सा
एक टॉपिक आप उठा सकते हैं, वो भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे पेस्ट, छोटी छोटी कटिंग करके वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना लंबा अगर आप चार्ट ले रहे हो तो फिर एक पेज पे एक ही आप कवर कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों से और वो उनका आंसर दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ज्वार भाटा, जो वर्त ज्वार भाटा है उसके बारे में जो टीचर है वो स्टूडेंट से बता रहे हैं। ये नेक्स्ट पेज पे है, पहले वृत्त ज्वार भाटा हो गया, फिर लघु ज्वार भाटा है, फिर आपको यहाँ साइड में लिखना है कि बच्चे सुन रहे हैं या फिर नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है स्टूडेंट एक्टिविटी में, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, फिर ये ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है, फिर लास्ट में आ जाते हैं हम सामान्यकरण, जनरलाइजेशन करते हैं कि भाई हमने जो बच्चों को पढ़ाया है वो आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा, जितना भी हमने कवर करा दिया अपना टॉपिक, जहाँ तक भी होता है एक एक क्लास में, अगर एक क्लास में पूरा टॉपिक नहीं भी कवर होता है तो जहाँ तक हमने कराया है हम यही सोच के चलते हैं कि भाई बच्चों को समझ आ गया होगा, इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है बच्चों को 8th क्लास तक। ये 8th क्लास का जो टॉपिक है वो लेके चल रहे हैं जिन्होंने भी फाइल बनाई है। फिर लास्ट में हम ये सब बना लेसन प्लान कवर करने के बाद हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं बीच बीच में, मतलब लास्ट में हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया उसके रिगार्डिंग। ठीक है, फिर ये लास्ट पेज पे, लास्ट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है ये, इस पे आपको होमवर्क देना है, और जो होमवर्क देना है आपको वो ब्लैक चार्ट पेस्ट करके ही देना है, क्योंकि हम जो काम है घर के लिए बच्चों को देते हैं वो हम ब्लैक बोर्ड पर ही लिखते हैं, तो आपको भी यहाँ ब्लैक बोर्ड ब्लैक सॉरी ब्लैक चार्ट पेस्ट करके उसके ऊपर होमवर्क देना है। ठीक है, फिर लास्ट में ये लिखना है आपको संदर्भ सूची वगैरह, किस टॉपिक पे या फिर कौन से सब्जेक्ट पे आप फाइल बना रहे हो, कौन सी बुक आप यूज़ कर रहे हो, NCERT की या फिर लोकल जो भी है, और क्लास आपको लिखनी है कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका लेसन प्लान थर्ड सोशल साइंस का। ठीक है, सिमुलेटिव टीचिंग का है ये लेसन प्लान थर्ड। अगर आपकी फाइल अनकम्प्लीट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी आपको। ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 फाइल और साथ साथ कवर कर रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि सबका साथ साथ ही हो जाए जब तक फाइल चेक नहीं हो जाती। ठीक है, तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।